हे गाइस, तो क्या हुआ था एक्चुअली मैं बताता हूँ। मेरा प्लान था पीरोट से सीधा जाने का कोपोनिक, बट वहाँ से कोई बस नहीं था, ना पीरोट से था ना निश से था, तो हमको निश से बेलग्रेड वापस आना पड़ा दो दिन पहले, बिकॉज दिन में एक ही बस जाता है जो बेलग्रेड से कोपोनिक जाता है। तो मैंने उस दिन पूछा था, जब आया था उसी दिन मैंने पूछा था तो कितने बजे जाता था, बोला 12:40 में। तो मैं सोचा मुझे टिकट मिल जाएगा, 11:30 बजे स्टेशन आ गया, बट कुछ हुआ ही नहीं, टिकट नहीं मिला। तो मैं बोला दूसरा कोई ऑप्शन बताओ, 20 किलोमीटर लास्ट आगे तक एक बस जाता है, तो मैं बोला चलो वही दे दो, मैं फिर उतना मैनेज कर लूँगा, इसे या कुछ कर लूँगा। और जब यहाँ पे आके देखा, यहाँ से अभी 80 किलोमीटर है, क्रोसोवक बोल के एक सिटी है जहाँ पे मुझे उतार दिया गया है, और यहाँ से हमें जाना है कोपोनिक जो 80 किलोमीटर से। उसके ऊपर से मेरा इंटरनेट ख़त्म हो गया था, तो मुझे फिर से रिचार्ज करवाना पड़ा। अभी फ़िलहाल मैं सोच रहा हूँ कि मैं करूँ क्या, कहाँ पे जाओ। फिलहाल ये देखो कितना सुंदर सजाया गया है क्रोसोवक सिटी को। और इसके बाद मैं पहुँचा बस स्टेशन पे और मैंने उनको पूछा कोपोनिक के लिए नेक्स्ट बस कब है। उन्होंने हमें ये बताया कि नेक्स्ट बस सुबह की 10 बजे है। मैं जब पहुँचा था वहाँ पे तब टाइम था शाम की 7:30 बजे हो रहा था, और 31 दिसंबर की रात था, तो रास्ता खाली था, सब कुछ खाली था, और बहुत सारे रेस्टोरेंट वगैरह सब कुछ बंद हो चुका था ऑलरेडी। और फिर उसके बाद मैंने चेक किया आसपास में एकोमोडेशन के लिए, जो भी चीपेस्ट हॉस्टल था दूर में वो था 11 किलोमीटर दूर में, आसपास में जो भी होटल था वो थोड़ा सा कॉस्टली था वहाँ पे, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि नहीं आज कोई होटल पे नहीं जाऊँगा, क्योंकि वो जो बस स्टेशन था वहाँ पे थोड़ा लंबा वाला चेयर था कुछ, जहाँ पे मैं इजीली रात में सो सकता था। और तो फिर मैंने वहीं पे रहा एक रात सुबह तक, और कोई नहीं था लिटरली बस स्टेशन पे, मैं अकेला था। रात में एक भाई साहब आए थे जो लॉक कर दिया था बस स्टेशन को बाहर से कि कोई अंदर आ जा ना सके, फिर उन्होंने सुबह के 6 बजे आके फिर ओपन भी कर दिया था। तो फिर मैं वहाँ पे सारा रात रहा और फिर सुबह बस लेकर मैं पहुँच गया कोपोनिक। आपको दूर की उस पहाड़ियों में बर्फ दिख रहा है, जिसके लिए मैंने लास्ट 5-6 दिन से बहुत ट्राई किया, बहुत। फाइनली अपना आँखों से इस बर्फ को देखने को मौका मिल रहा है, सच में बहुत खुश हुई यार। पूरा रात सोया नहीं, बस 1.5 घंटे ऐसा कुछ बस स्टेशन पर, जिसके लिए आ गया। फाइनली मैं आ गया कोपोनिक पे। ढेर सारे स्नो है भाई साहब, मैं बहुत खुश हूँ। शायद आपको मेरा फ्रेश एक्सप्रेशन देख के समझ में आ रहा होगा कितना खुश हूँ मैं। यार खुश तो हूँ मैं, इसके साथ एक बुरी बात यह है कि यहाँ का होटल बहुत कॉस्टली है, सिर्फ कॉस्टली नहीं बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है। एंड आई एम हंग्री राइट नाउ। पहले एक काम करता हूँ, एक रेस्टोरेंट ढूंढता हूँ, कुछ खाता हूँ, फिर चलता हूँ। एंड यहाँ पे स्की वगैरह भी करना है मुझे, देखते हैं क्या होता है। तो भाई साहब यहाँ पे होटल बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, बस स्टेशन के पास में अगर कोई भी होटल लेना चाहे ना, सब 20,000 दिनार मिनिमम पकड़ लो, मतलब 15,000-16,000 ऐसा कुछ वन नाइट के लिए आपको देना पड़ेगा। और यहाँ से 3-4 किलोमीटर आगे दूर में अगर जाते हो आप, देन यू हैव टू पे क्या है? मतलब इंडियन रुपीस में अगर बोले तो 3,000-3,500 में एक नाइट का काम हो जाएगा। तो फिलहाल हम जा रहे हैं उसी की तरफ। हाँ मैप में तो दिखा रहा है कि 45 मिनट्स वॉक करना पड़ेगा, दस हो गए इन स्नो के बीच से, इन हसीन वादियों के बीच से मैं 45 मिनट्स का वॉक कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई साहब अभी हम ये करने वाले कि हम नीचे बस स्टेशन पे जा रहे हैं वापस, पूछने वाले हैं कि आज का लास्ट बस बेलग्रेड कब जाएगा, अगर 3-4-5 घंटे बाद होता है कभी, क्योंकि अभी बज रहा है ऑलमोस्ट 1:30 बज गया, ढाई घंटा और अभी सनलाइट रहेगा, तो 2.5 घंटे में मेरे को स्कीइंग कर लूँगा अगर बस मिल जाता है तो। तो भाई साहब अभी तक तो बहुत दिन से ख्वाब देख रहा था कब स्की करूँ स्की करूँ, और यहाँ पे तो स्की इजीली कर सकते हैं हम। तो रेंट पे लिया हूँ, जिसके लिए मुझे एक दिन के लिए रेंट है 1,000 दिनार 1,000 दिनार, तो पता नहीं कैसे करते। तो यहाँ पे आगे एक स्की स्कूल है, फिलहाल वहीं पे जा रहा हूँ, आई नीड एन इंस्ट्रक्टर,
बिकॉज उसके बिना तो मैं नहीं कर पाएगा यार। अब मैं पैदल भी नहीं चल पा रहा हूँ उसी हिसाब से, जोर से पैदल चलूँगा तो मैं गिर जाने वाला हूँ। कोई बात नहीं, इसको रखता हूँ, फिर आगे जाके देखते क्या होता है। What's your name? Stefan. Stefan? Yeah. Nice. So you're from Serbia? Yeah, yeah, yeah. From Serbia. Oh, nice. Yeah. So, देखो भाई साहब, ले लिया मैंने इसको। अब जिंदगी का एक ख्वाब पूरा करने वाला हूँ बस। I'm just waiting for my instructor to come. आते ही थोड़ा सीखने के बाद आगे वो ट्रैक है, वहीं पे जाके करेंगे बस। हो, इससे अच्छा गिफ्ट और क्या हो सकता है न्यू ईयर के लिए, खुद के लिए और क्या हो सकता है होता। स्टिल लर्निंग। देखो अब वहाँ से दो बार ऊपर से नीचे तक आया, अभी फिर नीचे से ऊपर जा रहे एंड फिर वहाँ से आएंगे नीचे। ज़्यादा टाइम तो है नहीं, 30 मिनट्स मोर, जितना पॉसिबल होगा सीखने का कोशिश कर रहे हैं। लेट्स सी क्या होता है। So we have future skier. Okay, now show what you learned. So have your hand on your knees. Yeah, that's good. Then try to go fast again and then break. Okay, slow down. Good job. Yeah, that's good. Better? Yeah, much better. Oh, thanks for that.